सीरियल अनुपमा में आने वाला एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। और आज के एपिसोड में वन अनुपमा उस मेड को वापस से कहती है कि तुम अगर उसी घर में रहती हो तो उसी घर को जलाओगे तो तुम्हारे भी हाथ चलेंगे। और भाई जी को समझ में आ जाता है और वो गीता उसे वापस एक दिन के पैसे काट कर सारे पैसे वापस लौटा देती है। और वो अनुपमा जाकर काव्या को देती है और काव्या को लगता है कि अनुपमा ने कुछ चुगली वगैरह की होगी तो पैसे लौटाए। लेकिन अनुपमा उसको कहती पता नहीं कहाँ से कहाँ सोच लेती और वो पैसे देकर चली जाती है। और वो वनराज के सामने काव्या चुगली करते नजर आती है। तो वनराज कहता है तुम हमेशा मुझे कहते हो कि तुम अनुपमा के नाम मत लिया करो, लेकिन तुम ही हमेशा उसका नाम लेती रहती हो। और वनराज ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और काव्या उसे इंप्रेस करने के लिए उसे हग करती है और उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। लेकिन वनराज उसे कोई भाव नहीं देता और बाबू जी के पास जाता है और बाबू जी कहते हैं कि देखना तो इस बार भी फर्स्ट आएगा और जितनी भी मुसीबत आए ना वो तू अपने आप देखना मेहनत से उनको मुक्का मार के आएगा। तो वनराज कहता है मैं तो मेहनत कर सकता हूँ और मुक्का तो आप मार सकती है। वनराज कैफे में पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है और उसने सोच लिया है कि मैं साबित करके ही रहूंगा कि मैं आखिर हूँ क्या। और वो बहुत ही लगन से काम में लग जाता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा और सभी घर में अब ये बात हो रही होती है कि कल का व्रत है। और वन वहाँ पर काव्या कहती कौन सा वाट सावित्री का व्रत और किंजल समझाती कि व्रत क्यों रखा जाता है। और अनुपमा कहती है कि 7 जन्मों के लिए, लेकिन फिर अनुपमा वहीं रुक जाती है और किंजल बताती है कि 7 जन्मों के बंधन के लिए इस व्रत को रखा जाता है और पति की लंबी उम्र के लिए। और काव्या कहती है कि तो फिर तो अनुपमा के तो सारे व्रत फेल हो गए होंगे। तो वहाँ कहती है कि वे फेल हो जाते तो वनराज यहाँ पर सही सलामत खड़ा नहीं होता और उसकी मुँह की बोलती बंद कर देती। और कहती कि वॉट एवर, लेकिन मैं तो अपने भी के लिए व्रत जरूर रखूंगी। और वो व्रत रखने का कह देती है। तो बाप उसको ताने देती और कहती है पता नहीं कैसे रखेगी ये व्रत। और फिर सभी लोग घर पर ये सारा यहाँ पर किंजल और तोशु भी व्रत रखने वाला है। और दिखाया जाता है कि समर भी नंदिनी से कहता है इस व्रत के लिए, लेकिन नंदिनी वहाँ पर नाटक करती कि वो व्रत नहीं रखेगी, लेकिन वो व्रत रखने वाली है और समर भी उसके लिए व्रत रखने वाला है। तो यहाँ पर काफी कुछ रोमांस देखने को मिलेगा व्रत के दिन। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा किंजल को काफी कुछ खाना खिलाती है ताकि उसको कल भूख ना लगे। और किंजल काव्या से भी कहती है तुम्हें कुछ हैवी खाना खा लेना चाहिए क्योंकि कल व्रत है, लेकिन वो कहती नहीं आई विल मैनेज और वो नाटक करके चली जाती है। और वह कहती है देखना ये कल जरूर गिरेगी। और व्रत के दिन दिखाया जाता है कि सभी यहाँ पर मोहल्लों की औरतों के साथ में यहाँ पर पूजा होती है और काव्या यहाँ पर धागा बांध रही होती है पेड़ के और वो सगुन का धागा टूटने ही वाला होता है और अनुपमा का हाथ उस पर लग जाता है और काव्या भी गिरने वाली होती है और अनुपमा उसे संभालती है। अब देखना है कि ये व्रत अनुपमा पूरा करती है या काव्या और कौन सा बड़ा हिंट शो मेकर्स यहाँ पर देना चाहते हैं।